Good afternoon, student. In previous classes, we had learned this chapter Hum Panksi Udmukt Gagan Ke. Today, we will learn its exercise. इसके first question है प्रश्नाभ्यास का. हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते. हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी का मतलब क्या होता है. सबु प्रकार सुख सुविधा पाई मध्य पक्षी माने कहेंगे पिंजरा रे बंद हेबा को चाहंतिने. तो आरो उत्तर कौन हम स्टूडेंट. इसके आंसर ऐसे लिखना चाहिए. हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती. वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं. वे नदी और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं. कड़वी निबोरियाँ व कड़वे नीम के फल खाना चाहते हैं. पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं. कूदना चाहते हैं. फुदकना चाहते हैं. अपने पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फल के दाने चुगना चाहते हैं. वो क्षितिज से मिलना चाहते हैं. उन्हें उड़ना बहुत पसंद है. इसीलिए वो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं. उन्मुक्त रहकर का मतलब क्या होता है. खुला आसमान खुले में रहकर उन्मुक्त मतलब क्या होता है. खुला पक्षी माने खुला आकाश रे रहिकी तंकर कौन सब इच्छा पूरा करिया पई चाहुचंती ना से सब कौन लिखिबो. आंसर पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं. वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं. नदी झरनों का बहता पानी पीना चाहते हैं. अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं. खेती से मिलना चाहते हैं. नीम की पेड़ की कड़वी फल खाना चाहते हैं. और तारों को अनार के दाने की तरह चुगना चाहते हैं. ये सब उनकी इच्छाएं हैं. कविता में उनकी इच्छा जो कुछ भी कवि ने पक्षियों की इच्छा के बारे में बोला है वो सब इसमें इस क्वेश्चन में आंसर में लिखना है. ओके अब आते हैं प्रश्न तीन की तरफ. भाव स्पष्ट कीजिए. या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी. इसका मतलब क्या है. भाव स्पष्ट कीजिए का मतलब ये जो पंक्ति की एक लाइन लिखी है इसके बारे में वर्णना करने को पूछा गया है. तो ये जो पंक्ति रो कविता रो से पंक्ति रो गोटे लाइन लिखा है जिना या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी आरो मीनिंग एठी लिखिया पई कहिछे ना कवि काहे कि ए लाइन टा पक्षी मानन को उद्देश्य रे कहिछंती. कौन पई कहिछंती. इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता यदि मैं उन्मुक्त आसमान में उड़ता तो उस असीम खेती से मेरी मुलाकात हो जाती. मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस खेती से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता. कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में पक्षी के बारे में. पक्षी जब खुले आसमान में उड़ता या वो स्वतंत्र स्वाधीन होता तो वो क्या करता. उड़ उड़कर खितिज से मिलने के लिए जाता या वो खितिज हमें तो पता नहीं खितिज कहाँ है. खितिज से मिल पाता या उसका देहांत हो जाता. सो स्टूडेंट ये तीन क्वेश्चन का उत्तर तुम 100 शब्दों के अंदर लिखना. बाकी सारे प्रश्न अभ्यास नेक्स्ट क्लास में.
करेंगे। बाय, टेक केयर।